हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई 7 मिनट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर 5 जिसका कि टाइटल है फॉर्मूलाज एंड एक्सेल्स, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कुछ कॉमनली यूज मैथमेटिकल फंक्शंस जो कि हम लोगों को एक्सेल प्रोवाइड करता है। इसके पहले भी मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोज बना डाला है क्लास 6 चैप्टर 5 फॉर्मूलाज एंड एक्सेल पर, इस वीडियो का आप रेफर कर सकते हैं, जिसका कि लिंक मैं आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज के इस वीडियो को और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, और वो ये कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, और यदि आपके पास कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज मुझे कॉमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। आज हम लोग देखते हैं कुछ कॉमनली यूज मैथमेटिकल फंक्शंस जो एक्सेल में हम लोग यूज करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों फ्रेंड्स क्लास 6 चैप्टर 5 फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इस नए वीडियो में। इसके पहले जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने यूज किया था कुछ बिल्ट इन फंक्शंस जो कि हम लोग टेक्स्ट मींस सेट ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर, सेट ऑफ अल्फाबेट्स के ऊपर वर्क करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि डेट एंड टाइम्स को कैसे यूज करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस ऑलरेडी गिवन इन एमएस एक्सेल। तो उसमें से कुछ फंक्शंस को मैंने लिस्ट आउट करके रखा हुआ है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, जिसमें से इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑटो सम, सम, एवरेज, मैक्स, मीन, ऑड, इंड, प्रोडक्ट एंड राउंड। ऑटो सम एक्सेल का एक फीचर है जो कि ऑटोमेटिकली सम करता है, बाय डिफॉल्ट सम करेगा एक रेंज के ऊपर, रेंज का एक फाइंड आउट कर लेगा सम। हालांकि हम लोग इसमें एवरेज भी निकाल सकते हैं, मीन मैक्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑटो सम वो होता है आपका समेशन। इसे या तो आप होम टैब में जाएं और वहां पर देखेंगे ऑटो सम यहां पर दिया हुआ है, उसको इस्तेमाल कर लें। अदरवाइज फॉर्मूलाज में जाएंगे और आपको ऑटो सम यहां पर भी दिखेगा। जो भी ऑप्शंस आप यूज करना चाहते हैं आप उसको यूज कर सकते हैं, जहां से भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसका ऑटो सम वो करें, इस सेल पर उसका पूरा का पूरा सम दिखाए या इस सेल पर वो पूरा का पूरा सम दिखाए। तो हम लोग यहाँ इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, टोटल में जाएंगे ऑटो सम में और इस सम को क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर वो देखिए ऑटोमेटिकली इसने C3 से H3 एक रेंज ले लिया अपने लेफ्ट हैंड साइड, एंटर कर दीजिए जो इसका टोटल है वो आ गया। अब इस फॉर्मूला को यदि आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप इस फिल हैंडल का इस्तेमाल करके जहां तक कॉपी करना है वहां तक इसे आप ड्रैग कर दें, सारा आपका सारा फॉर्मूला कॉपी हो गया, रिजल्ट आपके सामने है। उसी प्रकार से यदि हम चाहें तो ऑटो सम के थ्रू एवरेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बस करना कुछ नहीं, यहाँ पर इस जिस सेल में आपको रिजल्ट चाहिए उस सेल को आप पहले सेलेक्ट कर ले, ऑटो सम में जाए, एवरेज देखिए उसका वो एवरेज फाइंड आउट करके आपके सामने ले आएगा। लेकिन यहाँ पर वो ऑटो सम जो एवरेज कर रहा है, एक चीज देखना होगा कि ये इस सेल को भी वो लेकर एवरेज निकाल रहा है। तो इस तरह से हम लोग यदि एवरेज निकाले तो हमारा रिजल्ट गलत आ सकता है। तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एवरेज फंक्शन का ही इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑटो सम का शॉर्टकट क्या है। ऑटो सम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अल्ट इक्वल टू, अल्ट की के साथ आपको इक्वल टू की प्रेस करना है एक साथ। पहले आप अल्ट की प्रेस करें फिर इक्वल टू की प्रेस करें, आप देखेंगे कि ये ऑटो सम आपका यहां पर डिस्प्ले हो रहा है। ध्यान रखना है पहले अल्ट फिर इक्वल टू, इस टी कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके हम लोग ऑटो सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहां पर आए और फिर से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं एवरेज। एवरेज हम लोग यहां पर दो तरीका से निकाल सकते हैं, या तो हम एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल कर लें जो हम लोगों को एक्सेल प्रोवाइड करता है, या तो हम एवरेज का फॉर्मूला खुद से यूज कर लें, खुद का यूज कर लें। दोनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो यदि हम लोग को एवरेज फंक्शन इस्तेमाल करना है तो हम लोग को पता है कि कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इक्वल टू साइन प्रेस करते हैं। इक्वल टू को हम लोगों ने प्रेस किया यहाँ पर,
एवरेज फंक्शन आपको यहाँ पर टाइप करना है और जितने रेंज का आपको एवरेज फाइंड आउट करना है उस रेंज को आप सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए। ये इसने इस रेंज का एवरेज फाइंड आउट कर लिया और रिजल्ट आपके सामने दे दिया। आप चाहे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिल हैंडल के थ्रू फॉर्मूला को कॉपी भी कर सकते। दूसरा कि या तो हम अपना फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें, देखें यहाँ पर इक्वल टू, यदि मैं इस टोटल को डिवाइड कर दूं 6 से तो ये उतना ही एवरेज निकाल लेगा, क्योंकि ये आउट ऑफ 100 है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देंगे तो मेरा एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा। अदरवाइज जो भी अप्रोप्रिएट फार्मूला है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते। आप इस फार्मूला को भी कॉपी कर दीजिए, ये एवरेज आपका हो गया। हम लोगों ने देखा कि ऑटो सम कैसे करते हैं, एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि सम कैसे करते हैं। सम फाइंड आउट करने के लिए मुझे सपोज इस सब का सम चाहिए तो बहुत आसान है सम करना, इक्वल टू सम ही आप लिख लें और जिस रेंज को सम करना है उस रेंज को सिलेक्ट कर लें, एंटर की प्रेस कर दे, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं मैक्स और मीन क्या करता है। मैक्स किसी रेंज में सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो उसका होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसको शो करेगा, और मीन जो उस रेंज में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, उसको डिस्प्ले करेगा। तो हम लोग चाहते हैं यहाँ पर कि सबसे सपोज कि यहाँ पर मैक्स और यहाँ पर मीन मैं लिख देता हूँ, इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स क्या है, तो हम लोग यहाँ पर इक्वल टू MAX मैक्स इस्तेमाल करते हैं और इससे रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर की प्रेस कर देते हैं, ये मैक्स फाइंड आउट करके दे दिया। उसी प्रकार से हम चाहते हैं मीन, इक्वल टू मीन टाइप करेंगे और इस सेल को सेल रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, इन्होंने मिनिमम भी दे दिया। अब इस फॉर्मूला को आप चाहें तो कॉपी कर दें सारे सब्जेक्ट के लिए, ऑटोमेटिकली वो सारे सब्जेक्ट का मैक्स और मीन शो करेगा। यदि इसे हम लोग आगे बढ़ा दें तो टोटल को भी का भी मैक्स फाइंड आउट करेगा और एवरेज का भी मैक्स फाइंड आउट करेगा। इससे भी हम लोग यदि आगे बढ़ा दें तो ये मीन भी फाइंड आउट करके दिखाएगा आपको। हम लोगों ने देखा कि मीन और मैक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ऑड क्या करता है और इंट क्या करता है। ऑड फंक्शन आपको शो करेगा, रिटर्न करेगा कोई भी नंबर यदि आप इसे देते हैं तो उसका नियरेस्ट ऑड वैल्यू, उसका नियरेस्ट ऑड वैल्यू वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करेगा। तो यदि हम लोग इक्वल टू लिखें, ऑड टाइप करें और हम लोग यदि सपोज इसका हम चाहते हैं कि ऑड वैल्यू वो शो करे तो ये ऑफ कोर्स 91 शो करेगा, ठीक है। अब यदि हम लोग देखें कि इंट क्या करता है, तो इंट क्या करेगा फ्रेंड्स, इंट डेसिमल पॉइंट जो आप दे रहे हैं, जो भी वैल्यू में आता है, जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट आता है, उस पूरे डेसिमल पॉइंट को वो इग्नोर कर देगा और सिर्फ उसके इंटीजर पार्ट को ही आपको रिटर्न करेगा। यदि हम लोग देखें इसका इंट वैल्यू तो वो 80 ही आपको शो करेगा। यदि मैं इस सेल को चेंज कर दूं सेल एड्रेस को और इसके जगह पर ये दे दूं तो वो 80 इस जगह पर, यदि मैं इस सेल का रेफरेंस दे दूं तो वो 82 शो करेगा। मतलब दशम जो डेसिमल पॉइंट है, दशमलव जिसको कि हम लोग कहते हैं हिंदी में, वो उस के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उसको इग्नोर करेगा, दशमलव पॉइंट या डेसिमल पॉइंट के पहले जो नंबर से डिजिट से वो आपको रिटर्न करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या करता है। प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन का काम करता है, मीन्स किसी आप जो भी वैल्यू देंगे, जितना भी वैल्यू देंगे उन सब का वो मल्टीप्लाई करके वैल्यू रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग यहाँ पर लिखे इक्वल टू प्रोडक्ट और यहाँ पर इससे हम लोग दे दें 2, 3, 4, तो यदि हम लोग 2, 3, 4 मीन्स 2 × 3 × 4 यदि करें तो 3, 2, 3 = 6 एंड 6, 4 = 24, ये इसका रिजल्ट होने वाला है। उसी प्रकार से यदि हम ये वैल्यू को थोड़ा बढ़ा लें, अब यहाँ पर 5 कर दें तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है हम लोग के पास, 24, 5 = 120, ये वैल्यू आ गई। मीन्स इसमें जितना भी आप आर्गुमेंट्स सप्लाई करेंगे उन सबको वो मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट आपको रिटर्न करेगा। अब देखते हैं कि राउंड क्या करता है। राउंड बेसिकली जितना भी नंबर ऑफ मेंटिसा हम उसे प्रोवाइड करेंगे उतने नंबर ऑफ मेंटिसा तक उस
नंबर को वो राउंड ऑफ करेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग करके देखें पहले, इक्वल टू आर ओ यू एन डी राउंड, यदि मैं इसी की बात करूं 87, और इस नंबर में मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ दो डिजिट तक ये वैल्यू को राउंड ऑफ करे, तो इसका रिजल्ट आएगा 87.33। अब यदि मैं इस नंबर की बात करूं, यदि इसे राउंड ऑफ करना है 90.1667 को, तो आप यहां पर इस्तेमाल करें राउंड फंक्शन। इसे यदि मैं टू डिजिट तक राउंड ऑफ करूं तो इसका रिजल्ट होगा 90.17। आप देख सकते हैं रिजल्ट, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ दो डिजिट ही तक राउंड चेक कर सकते हैं, हम लोग ये यहाँ पर थ्री डिजिट देते हैं तो वो थ्री डिजिट तक भी इसे राउंड ऑफ करके शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने देखा कि जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस हैं एक्सेल में, उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं एक्सेल में, उसको किस तरह से हम लोग अप्लाई करें कि हमारा जो भी वर्क है, वो जो भी ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो जाए। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई क्वेरी है आपके पास, कुछ क्वेश्चन है आपके पास, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें क्वेश्चन, मैं जल्द से जल्द आपके पास रिप्लाई करूंगा। तो आज के इस क्लास 6 चैप्टर 5 फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कुछ और मैथमेटिकल फंक्शंस। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।